ऑल ऑफ़ यू वेलकम बैक टू अवर चैनल सीहान सेट यू स्मार्टर क्लासेस आई होप यू ऑल आर फाइन शायद आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे तो इसमें हमने क्या कर लिया फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हमने फर्स्ट एन ओ पी ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दिया है ठीक है अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम नमेरिकल क्वेश्चन में चलते हैं ठीक है एन ओ पी में एक पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैन सोर्स मेन सोर्स ऑफ इनकम इट इज़ द अमाउंट पेड बाय दी मेंबर एट रेगुलर इंटरवल्स ठीक है जो सब्सक्रिप्शन होता है ये मेंबर के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं ठीक है थीके? कोई भी एन ओ जो भी होगी उसमें मेंबर्स जो होंगे उनके द्वारा ये पे किया जाता है ठीक है सब्सक्रिप्शन ठीक है जैसे जिसको आप हिंदी में चंदा भी बोलते हो ठीक है अब जो सब्सक्रिप्शन होता है एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से लेके कर आऊँगी सब्सक्रिप्शन पे ठीक है इसमें देखो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी थोड़ा थोड़ा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा करंट ईयर का वो प्लस होता है ठीक है एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का माइनस होता है ठीक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का लेस होता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का प्लस होता है ठीक है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को की एंट्री हम कहाँ करते हैं एसेट साइड में ठीक है और एडवांस सब्सक्रिप्शन की एंट्री हम कहाँ करते हैं लाइबिलिटी साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लियर नेक्स्ट हमारा आता है लाइफ मेंबरशिप फीस ठीक है लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस होती है जो क्लब के मेंबर्स क्लब या फिर एनओपी जो भी है ठीक है क्लब मान के चलो क्लब के मेंबर पे करते हैं ठीक है वो कैसे पे करते हैं उसे रेगुलर पे नहीं करते हैं पूरी जब तक आपका क्लब चल रहा है जब तक आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी एन है वो चल रही है ठीक है वो पूरी लाइफ ठीक है लाइफ टाइम की उसकी फी fee, फीस जमा करते हैं ठीक है थीके? इसको हम कहाँ लिखते हैं लाइबिलिटी साइड ठीक है side, फिर आया हमारा एंट्रेंस फीस पेड बाय द न्यू मेंबर्स एट दी टाइम ऑफ जॉइनिंग ठीक है एंट्रेंस फीस क्या होती है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया मेंबर ज्वाइन होता है ठीक है तो उसे क्या देनी पड़ती है अपनी मेंबरशिप फीस ठीक है एंट्री फीस जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को ज्वाइन कर रहा है ठीक है तो उसको उस वक्त क्या देनी पड़ती है एंट्रेंस फीस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेगेसी ठीक है स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस वर्ड को प्रनाउंस करने में मिस्टेक करते हैं ठीक है रॉन्गली इसे प्रोनाउंस करते हैं ठीक है थीके? ये लेगेसी होती है बेटी ठीक है मोस्टली मैंने क्या देखा है स्टूडेंट इसको लेगेसी प्रोनाउंस करते हैं ठीक है राइट प्रोनाशिएशन इज लेगेसी लेगेसी क्या होती है लेगेसी एक तरह से ऑर्गन uh, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है क्या होता है उसकी एसेट होती है ठीक है अब आप बोलोगे एसेट कैसे होगी ठीक है एसेट कैसे होती है मान लो कोई भी पर्सन uh, है ठीक है वो क्या बोलता है अपनी विल के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है कि जब मैं मर जाऊँगा ठीक है मान लो कोई अकेला आदमी है ठीक है उसके आगे पीछे ना उसकी वाइफ है या फिर उसके बच्चे कुछ भी नहीं है ठीक है तो वो क्या बोलता है अपनी बिल के अकॉर्डिंग क्या करता है वो कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता हूँ मैं ये मेरी एक उसके लिए चले जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ही दे दूँगा ठीक है वो क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होती है क्लियर क्लियर

एक तो आपको कैश में डोनेशन आ सकता है और दूसरा आपको कोई भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ सामान दे सकते हैं जैसे आपने फैन दे दिया अलमीरा दे दी ठीक है कुछ भी आपने कोई भी ऐसी चीज़ दी जिस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है ठीक है वो क्या हुआ डोनेशन अब डोनेशन जब हम कैश में देंगे ठीक है तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट के मतलब वो हमारी इनकम होगी ठीक है रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ठीक है और जैसे कोई भी सामान ठीक है आपने क्या किया डोनेट कर दिया ठीक है मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी कि फ़ैन आपने दे दिया मान लो ठीक है या फिर अनवीरा दे दी ठीक है कोई भी ठीक है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज़ की ज़रूरत है ठीक है वो क्या हो गया हमारा वो कौन वो हमारा वो भी हमारा डोनेशन हो गया ठीक है अब डोनेशन दो तरह के होते हैं ठीक है ठीके? फर्स्ट डोनेशन होता है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है हमारा जनरल डोनेशन ठीक है स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है ठीक है स्पेसिफिक डोनेशन आपका वो डोनेशन होता है ठीक है जो आप किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए देते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम लाइब्रेरी कंप्यूटर रूम ठीक है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है ठीक है वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है ठीक है तो आपने क्या किया मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान लो कोई हॉस्पिटल है ठीक है आपने क्या किया वहाँ के लिए कुछ पैसे दे दिए ठीक है ठेके? डोनेशन की हम बात करें आपने क्या कर दिया वहाँ के लिए कुछ पैसे दे दिए ठीक है ठेके? कि ये पैसे हैं आपने क्या करना है इसे हॉस्पिटल के लिए एक बिल्डिंग बनानी है ठीक है यहाँ हॉस्पिटल के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेनी है आ, ऐसी चीज़ लेनी है जिसकी हॉस्पिटल को ज़रूरत है ठीक है तो वो क्या हो गया हमारा स्पेशल डोनेशन ठीक है उस स्पेशल डोनेशन को हम कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उस स्पेशल डोनेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड क्लियर उसके बाद आता है हमारा जनरल डोनेशन ठीक है जनरल डोनेशन क्या होता है जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जिसमें जो डोनेट करने वाला होता है वो ये मैंशन नहीं करता है कि वो डोनेशन किस लिए कर रहा है ठीक है उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ वो डोने डोनेशन करता है ठीक है पैसे देता है और उससे क्या होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी वो उसकी अपनी मतलब उसकी अपनी चॉइस है ठीक है वो जहाँ पे भी उस डोनेशन को लगाएगी ठीक है इसमें क्या होता है जो डोनर डौन, होता है ठीक है वो उस पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करेगा कि ये डोनेशन वो किस लिए दे रहा है ठीक है अब जो जनरल डोनेशन होता है वो दो तरह का होता है एक होता था है बिग अमाउंट में एक होता है स्मॉल अमाउंट में बिग अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट बिग अमाउंट में क्या होता है जो डोनेशन होता है वो कई बार Uh, काफ़ी टाइम के बाद आता है ठीक है जैसे दस साल में एक बार भी आ सकता है पचास साल में एक बार भी आ आ सकता है ठीक है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड ठीक है और दूसरा होता है हमारा स्मॉल डोनेशन स्मॉल डोनेशन होता है हमारा जो uh, थोड़ा कम अमाउंट में होता है ठीक है स्मॉल डोनेशन थोड़ा थोड़ा करके हम देते हैं ठीक है थीके? तो इसको कहाँ लिखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में टॉपिक हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर किसी ने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लें ठीक है प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है आपकी सेकेंड मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो है ठीक है उसका लिंक ठीक है उससे पहले की जो वीडियो होगी उसका लिंक जो मतलब फर्स्ट वीडियो है ठीक है मान लो फर्स्ट वीडियो मैंने मैंने डाली है ठीक है फिर सेकेंड वीडियो है सेकेंड वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है और थर्ड वीडियो में मैंने सेकेंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हो वहाँ से प्रीवियस वीडियो देख सकते हो ताकि आगे वाले जो जो भी मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाए ठीक है तो हम क्या मैंने आपको बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एज़ इट इज़ होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस पे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस पे अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आती है ठीक है एक बार मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम uh, जो एन होती है ठीक है उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं उस पर हम प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनाते ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है हमने क्या कहा जो एन है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है ठीक है प्रॉफिट अर्न नहीं करती है एन किस लिए होती है हमेशा सोशल वर्क के लिए ठीक है जब एन प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएगी ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में बनता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जिनका एम क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अर्न करते हैं ठीक है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अर्न नहीं करेंगे ठीक है सोशल वर्क करेंगे मतलब एन ओ पी हम बना रहे हैं उसके हम अकाउंटिंग करेंगे तब हम क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर चल अब हम आगे चलते हैं ठीक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसको एन बनाती है ठीक है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है ठीक है इसमें फर्स्ट देखो सिंपल इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बताऊँगी ठीक है रेवेन्यू अकाउंट ऑफ एन ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और ये uh, क्या होता है आपका एनओपी के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट मेके uh, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है ठीक है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे ठीक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम प्रिपेयर फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होगा उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये कहाँ से बनता है आपका ट्रायल बैलेंस है ठीक है ट्रायल बैलेंस आपको दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ठीक है अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ठीक है जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं सरप्लस और डेफिसिट ठीक है और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें क्या आता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ठीक है हमने फाइनल अकाउंट्स किए थे प्लस वन में ठीक है उसमें था ठीक है उसमें क्या करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस उसमें कैलकुलेट करते थे ठीक है अब नेक्स्ट है सरप्लस एंड नेट प्रॉफिट सरप्लस क्या होता है सरप्लस हम क्या कब करते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा वो सरप्लस हो गया और जब हमारा लॉस होता है वो हमारी डेफिसिट होगी ठीक है नेक्स्ट है इसमें प्रिपेयर्ड बाय ठीक है जो ये कैसे प्रिपेयर होती है इस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ठीक है सिंपल है इसे नॉन जो एन इसको प्रिपेयर करती है ठीक है और इसे कौन करता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सिंपल है ठीक है जो आपका रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये आपका रियल अकाउंट होता है ठीक है रियल अकाउंट मीन्स जिसमें कैश कैश ट्रांजेक्शन्स होती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये हमारा नोमिनल अकाउंट होता है ठीक है नोमिनल अकाउंट का रूल तो आपको पता होगा ठीक है जब हम प्लस वन में स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी तो हमें उसमें रूल्स दिए गए थे ठीक है रियल अकाउंट का रूल वट कम्स इन डेबिट ठीक है क्रेडिट वट गोज आउट ठीक है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट और तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट ठीक है ओपनिंग बैलेंस देखो इसका सेकेंड इसका नेचर है ठीक है नेचर इसका बिल्कुल सिंपल है देखो इट इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन्स ठीक है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है इसमें सिर्फ आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स होगी जिस तरह से हमारी कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स होती थी सिमिलरली इसमें भी क्या होगा कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी ठीक है और इसमें क्या होगा जो कैश इनफ्लोज़ होगी इनफ्लोज़ मीन्स रिसिप्ट होंगी उनको उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे ठीक है जो आउटफ्लोज़ होगी मतलब हमारी जिसमें हमारा कैश गोज़ आउट होगा ठीक है वो क्या होगी हमारी क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होगी ठीक है एज इट इज़ कैश बुक की तरह ठीक है और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये क्या है हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है ठीक है जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली कैसा होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है ठीक है इसमें क्या होता है डेबिट साइड हमारी ऑल पेमेंट्स होगी और क्रेडिट साइड हमारी सारी इनकम्स होगी ठीक है ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं ठीक है थीके? जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो आपका ओपनिंग बैलेंस ठीक है कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक के साथ स्टार्ट होता है ठीक है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है ठीक है बार बार मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एज इट इज़ है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कोई भी ओपनिंग बैलेंस शो नहीं करते थे उसमें हम क्या करते थे डायरेक्ट हम ट्रेडिंग uh, अकाउंट से आपका जो ग्रॉ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लॉस आता था उसकी एंट्री करके हम उसमें डायरेक्ट जो भी आपकी उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती थी और इनडायरेक्ट जो भी आपकी इनकम्स होती थी उस, उसकी हम एंट्रीज कर देते थे ठीक है इसमें कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम ऐड नहीं करेंगे ठीक है क्लोजिंग बैलेंस देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द क्लोजिंग कैश इन ठीक है जो इसमें है इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस भी शो करते हैं ठीक है थीके? और इसमें क्या होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ़ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ठीक है इसमें क्या होता है जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या शो करता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है इनकम ज़्यादा है आपकी एक्सपेंडिचर से क्लियर नेक्स्ट है कैश आइटम्स ठीक है इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ कैश आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं क्लियर और जो इट रिकॉर्ड्स बोथ ठीक है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कैश रिलेटेड आइटम भी और नॉन कैश रिलेटेड आइटम आइटम्स भी ठीक है क्लियर इसका पीरियड देखो इट शोज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ठीक है ये बिल्कुल सेम uh, सेम ही है ठीक है आपने इसका सिर्फ जो uh, इसका जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ठीक है उसी को आपने याद रखना है ठीक है कि इसमें कैश रिलेटेड एंट्री होगी और इसमें कैश रिलेटेड और नॉन uh, कैश दोनों एंट्रीज होगी अब बैलेंस शीट देखो इट नीड नॉट नेसेसरली बी ठीक है जो आपका ये रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें हमारी कैश बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती है ठीक है लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ठीक है उसमें क्या होता है हम बैलेंस शीट को uh, बनाते हैं ठीक है थीके?